तुम्हारी गुड लक मैं नहीं शफक है, निकला है तुम्हारा नाम यार, ये देखो। नहीं निकला। तुम दोनों को दिलो जान से चाहता हूँ मैं यार, और तुम दोनों का दिल दुखा दिया। I'm very sorry. अच्छा ठीक है, हमने कर दिया माफ। उस वक्त ये झुमके बहुत महंगे थे मेरे लिए, लेकिन अब इन झुमकों की औकात नहीं है कि मुझ पे सच सके। बहुत सस्ते हैं। तोहफा देना ही था तो मेरी हैसियत के मुताबिक देते। तुम भी ना कंजूस के कंजूस ही रहे, हीरे की कान में बैठ के कोयला पाट रहे। हाँ ये पहले भी तुम्हें कहा था, ये सब मुझे लाके मत दिया करो। क्या है ना, मुझे एलर्जी है इन सब चीजों से, इसलिए ये तहाइफ आप किसी और को दिया करें। हमारी मोहब्बत के साथ का 10वां साल मुबारक। तो याद था? अपने आप को भूल सकता हूं, ये तारीख नहीं भूल सकता जब आप मेरी जिंदगी में बहार बन के आई। हैप्पी एनिवर्सरी डियर वाइफ। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू टू डियर हबी। मेरा गिफ्ट निकालो निकालो। गिफ्ट तुम्हारा सरप्राइज है। सरप्राइज? कहीं वो वाला सरप्राइज तो नहीं जो मुझे पसंद है? सच्ची? हाँ? कसम खाओ। तुम्हारी खुशी के लिए मुझे किसी की कसम की जरूरत नहीं। अच्छा तो इसका मतलब तुम मुझे बोला के देगा? 4 साल से सोच रहा था, इस साल मैंने सोचा। मेरी औकात नहीं थी कि मैं झुमके पहन सकूं, लेकिन अब इन झुमकों की औकात नहीं है कि मुझ पे सच सके। बहुत सस्ते हैं। तोहफा देना ही था तो मेरी हैसियत के मुताबिक देते। तुम भी ना कंजूस के कंजूस ही रहे, हीरे की कान में बैठ के कोयला पाट रहे। उल्फत प्लीज चली जाओ यहाँ से, मैंने तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्या हुआ शान? यहाँ इस तरह क्यों खड़े? कुछ नहीं हुआ शफक, बस प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। क्या हुआ शान, मैं आपको यहाँ इस तरह देख के परेशान हो गई। अरे तो नहीं होना परेशान, किसी का तुम्हें परेशान होने के लिए, और वैसे भी कोई भी एक नाकाम आदमी के लिए ना कोई भी परेशान नहीं होता, इसलिए प्लीज जाओ यहां से। ठीक है मैं खुद ही चला जाता हूं। अरे शाहान क्या हुआ है, किससे भाग रहे हैं, क्यों इस तरह बिहेव कर रहे हैं? अपने आप से भाग रहा हूं मैं, खुद से भागना चाहता हूं मैं, क्योंकि मैं तो किसी की मोहब्बत के लायक नहीं हूं ना। और तुम एक काम करो, तुम भी दूर रहो मुझसे, क्योंकि एक दिन तुम भी मेरी मोहब्बत मेरे मुंह पे मारोगी, तुम भी मेरी मोहब्बत को एक दिन पैसों में तोल दोगी। शाहान क्या हुआ है? अरे कहा ना यार, मैंने दूर हो मुझसे, नहीं चाहिए किसी की हमदर्दी मुझे। इस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं आपको हमदर्दी क्यों दिखाऊंगी? क्योंकि इसी लायक हूँ मैं, यही तो औकात है मेरी, और क्या औकात है मेरी। क्या हुआ शाहान, क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? क्या बात है? टूट गया हूं मैं शफक, या फिर तोड़ दिया गया हूं। मैं जितनी बार अपने आप को मोहब्बत के खातिर समेटता हूं, उतनी ही बार मोहब्बत के हाथों बिखर जाता हूं। ये तोहफा देख रही हो, तोहफा ये
जिस कदर मोहब्बत से, जिस कदर चाहत से मैंने दिया था, उल्फत ने उसी हकारत से इसको झुटला दिया। इसकी कीमत जानती हो? सस्ता है, बहुत बहुत सस्ता है। इतना सस्ता है कि उल्फत ने इसके ऊपर एक नजर डालना भी गवारा नहीं की। 75,000 शफक, 75,000 का है ये। उस वक्त तो हमारे लिए इतनी बड़ी रकम होती थी कि उसको जमा करते करते मुझे 5 साल लग गए शफक। और 5 सालों में मैंने क्या कुछ नहीं किया, बचत की, ओवरटाइम किया, और उन 5 सालों में मैंने हसरत देखी उल्फत की आंखों में, इनके लिए हसरत देखी, और मैं नहीं पूरा कर सका उसे। मैं हार गया, मैं मोहब्बत के हाथों हार गया। और ये अभी मैंने पिछले महीने खरीदे, ये सोचकर खरीदे कि हमारी एनिवर्सरी है तो मैं उल्फत को दूंगा तो उसका चेहरा खुशी से खिल जाएगा, वो खुश होगी कि मैंने उसकी हसरत पूरी कर दी। लेकिन मैं तो भूल गया था शफक, मैं तो भूल गया था कि ये करोड़ों में खेलने वाली उल्फत उसके सामने 75,000 की क्या औकात होगी। हाँ, क्या औकात होगी इसकी, यही तो मैं भूल गया था, यही तो मैं भूल गया था कि ये करोड़ों का नहीं है। अभी मैंने पिछले महीने खरीदे, ये सोचकर खरीदे कि हमारी एनिवर्सरी है, मैं उल्फत को दूंगा तो उसका चेहरा खुशी से खिल जाएगा, वो खुश होगी कि मैंने उसकी हसरत पूरी कर दी। लेकिन मैं तो भूल गया था शफक, ये करोड़ों में खेलने वाली उल्फत उसके सामने 75,000 की क्या औकात होगी। इतनी आसानी से रफाकत कैसे खत्म हो गई? उल्फत, तुम्हारी हरकतें ही तुम्हें इस घर से दूर कर देंगी। तुमने आज इस तोहफे को ही नहीं धुतकारा, बल्कि तुमने मोहब्बत को धुतकारा है। तुम्हें इस बात पर पछताना पड़ेगा उल्फत, खुद आग लगा रही हो तुम अपने घर को। अपनी जन्नत को खोने पर तुम रोगी उल्फत, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, इन बच्चों की तरह मुंह फुला के क्यों बैठे हो? उस फजूल से बंदों के लिए। इनफ इनफ उल्फत, इनफ। ये क्या तुम हर वक्त अपनी दौलत का रोब झाड़ती रहती हो, वो भी जो तुम्हें भीख में मिली है। तमीज से। तुम तमीज से रहो। अगर शफक की मेहरबानी ना होती ना, तो तुम ये कहने के लिए भी आना बैठी होती। और जिन झुमकों और उनकी कीमत को तुम मामूली कह रही हो ना, उन्हें खरीदने के लिए खून पसीना बहाया मैंने, जान तक खतरे में आ गई थी मेरी। लेकिन तुम तो सब कुछ भूल गई हो ना, तुम्हें तो इस दौलत का नशा है सिर्फ। हाँ, भुला दिए। इनफैक्ट मैं सब कुछ भुला देना चाहती हूँ। नहीं याद रखनी मुझे तर्ज भरी नजरें, लोगों का मजाक उड़ाता हुआ चेहरा। मुझे कुछ नहीं याद रखना गुर्बत का, समझे?
सब भुला दिया मैंने। तो फिर तुम्हें काम करो, तो मुझे भी भुला दो, भुला दो मुझे, क्योंकि मैं भी उन्हीं सिसकती हुई गलियों में फिरने वाला एक मामूली सा इंसान हूं जिसकी कोई औकात नहीं है, जिसकी औकात तुम्हारी उन झुमकों से भी कम है। देखो शान, नहीं मत हाथ लगाओ मुझे, अरे मेरी औकात नहीं है यार, मैं तुम तक नहीं पहुंच सकता। उल्फा तुम बहुत बड़ी हो चुकी हो, मैं बहुत छोटा रह गया हूं, बहुत मामूली हूं मैं। तुम्हारा शौहर एक बहुत सस्ता इंसान है जिसकी इतनी औकात नहीं है कि तुम जैसी करोड़पति लड़की उसको हाथ लगाए, इसलिए प्लीज बुला दो मुझे, मैं तुम्हारे लेवल तक नहीं पहुंच सकता। बहुत छोटा रह गया मैं, तुम बहुत बड़ी हो गई। क्या हो गया? वैसे सही कहा है किसी, दुनिया में ना हर चीज का इलाज है, कि मिडिल क्लास मेंटेलिटी ना कोई इलाज नहीं। हाय मिसेस इखलाक, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ मुझे याद है, ऑफ कोर्स आई एम कमिंग, मेरे बगैर कैसे हो सकता है। ओके सी यू बाय। कितना काम है, मैंने बेटी भी करना है, सारा मूड ऑफ कर दिया। हद हो गई है नूरी, ऐसी भी क्या बेमुरवती कि बंदा अपने बच्चे को ही भूल जाए। देख जरा बच्चे की तरफ, इस घर की तरफ। हाँ, तू तो उल्फत की ही होके रह गई है। मेरी तो मत मार के रखती है सुल्फत, दिमाग खराब कर दिया है मेरा। हराम है जो एक लम्हा भी सुकून का लेने देती हो। बस कर दे नूरी, कोई गैरों के लिए अपनों को रुलता हुआ नहीं छोड़ देता। पैसों ने तेरी आंखों पे पट्टी बांध दी है, दो दिन से बच्चे को संभाल रही हूँ। देख देख कैसा बुखार में फुक रहा है, ख्याल है तुझे इसका? तो उल्फत का क्या है, उल्फत को किसी का एहसास नहीं है, उसकी तो मत मारी गई है। उसके साथ रह रहकर तेरी अकल ने भी काम करना छोड़ दिया है। उसके लिए ना शौहर है मैं, ना बच्चा, लगी पड़ी है अपनी अयाशियों में। ठीक कह रही है तू, दिन रात बाजारों में गुजरता है उसका। इसीलिए तो कह रही हूँ, हम घर गृहस्थी करने वाली औरतें हैं, हम इधर उधर टाइम खराब नहीं कर सकती। उसका क्या है भाई, उसने तो शोहर की दूसरी शादी करवा दी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, दूसरी है ना संभालने वाली, संभाल लेगी। क्या तू भी यही करेगी? खैर का कलमा निकाला कर शकूरन, हर वक्त खुराफात बकने की जरूरत नहीं है तुझे। मेरे मियाँ ने ऐसा काम किया ना तो जान ले लूंगी मैं उसकी, इसीलिए समझा रही हूँ। घर देख अपना। शकूरन तुझे क्या लगता है मैं घर के लिए तो ये सब कुछ कर रही हूँ ना, मुझे इस तरह दूसरों की चाकरी करना अच्छा लगता है क्या? मेरा रशीद किसी काम का होता तो इस तरह धक्के नहीं खा रही होती मैं, ना ही उस उल्फत की बातें सुनती जिसके महीने के आखिर में चूल्हा मेरी वजह से जला करता था। नसीब नसीब की बात है नूरी, अब क्या कर सकते, बता नहीं सकती तुझे। जब मुझ पे एहसान जता के वो चंटके मेरी हथेली पे रखती है ना, मेरे तन बदन में आग लग जाती है। मेरा दिल चाहता है उसका तकब्बुर भरा चेहरा पकड़ के नोच लूं मैं, तबाह कर दूं उसको। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। पूछ क्यों? क्यों? क्योंकि उसने अपनी किस्मत अपने हाथों से लिख के खराब कर दी। अपनी जिंदगी में इतना गहरा गड्ढा खोद रही है कि एक दिन उसी में जिंदा दरकोर हो जाएगी। जिस दौलत पे इतराती फिरती है ना, उसके किसी काम नहीं आएगी। और तू देख लेना, कोई उसको पूछने वाला नहीं होगा। लिख ले तू मेरी बात। तौबा तौबा, बदफालियां निकालने में तो तेरा कोई सानी नहीं है। जहां से रिस्क बंधा हो ना, उसके लिए खैर सोचते हैं। लेकिन तेरी सोच पर तो पर्दे पड़े हुए। चलती हूँ मैं, ख्याल रखना इसका, शाम को चक्कर लगाऊंगी। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
कोई जरूरत नहीं है शफक, इतना भी कोई अहम दिन नहीं है जिस पर अपना वक्त जाया किया जाए। अरे क्यों अहम दिन नहीं है? मेरे शौहर की जिंदगी का बहुत अहम दिन है। मैं तो सेलिब्रेट करूंगी। आप देखेंगे इतनी अच्छी तकरीब होगी। जिसके साथ इस दिन की शुरुआत हुई थी, जब उसे याद नहीं तो तुम क्यों यादगार बनाओगे? ये सब हमारे मुंह पे मार देगी वो, देखना। शाहान इतना भी बदगुमान नहीं होते, कभी कभी बेवकूफी कर जाती है वो। बेवकूफी में और बदतमीजी में फर्क होता है। बहरहाल मैं तुम्हें ये सब करने की इजाजत नहीं दूंगा। शाहान प्लीज। मेरी खुशी के लिए हम उसे सरप्राइज देंगे, वो भी खुश हो जाएगी। शफक, उससे अब हमारी मोहब्बतों की कोई जरूरत नहीं। उसे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बहुत आगे जा चुकी है। हम मोहब्बत तो करना नहीं छोड़ सकते ना शाहान। हमें उसे एहसास दिलाना है कि वो आज भी हमारे लिए उतनी अहम है जितनी पहले थी। कोई खो रहा होता है ना तो हम उसका हाथ नहीं छोड़ते, और मजबूती से पकड़ लेते हैं ताकि वो कहीं ना जाए। और अगर कोई दामन छुड़ा रहा हो तब क्या करना चाहिए शफक? तब हम उसके साथ खड़े रहते हैं ताकि उसे हमारी बातों का एहसास हो और वो अपना इरादा बदल दे। तुम और तुम्हारी फिलॉसफीज। अच्छा तो फिर मैं प्लान कर लूँ ना? जो मर्जी करना है करो, लेकिन मैं इसमें तुम्हारा कोई साथ नहीं दूंगा। अच्छा नहीं दीजिएगा मेरा साथ, बस बस टाइम से आ जाइएगा। और सुने, उल्फत को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ सरप्राइज है। बाय। नूरी कहाँ हो तुम? सुबह से कितने फोन कर रही हो? अभी अभी सलून से बाहर निकली, शुक्र है तुमने फोन उठा लिया। उल्फत बीबी क्या बताऊँ आपको, छोटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अरे मुझे तो रशीद की कॉल आई, मैं तो उल्टे कदमों भाग के घर आ गई। और वैसे भी अब आपको ना अकेले काम करने की आदत डाल लेनी चाहिए। मैं कहाँ हर जगह अपना घर बार छोड़ के आपके पीछे जाती फिरूंगी। नूरी तुम्हें याद नहीं है आज मिसेस खलाक की पार्टी है, और तुम्हें पता है तुम्हारा वहाँ पे जाना कितना जरूरी है मेरे साथ। आप आज भी पार्टी में जा रही हैं उल्फत बीबी? अरे मेरा मतलब है आज तो आपकी वो है भाई, क्या कहते हैं, शादी की सालगिरह। आज तो एनिवर्सरी है। ओह शिट, इतना काम हो तो मैं तो भूल ही गई थी। एनिवर्सरी मना लेंगे, जब भी पार्टी से फ्री होंगे तो चले जाएंगे एनिवर्सरी के लिए। अब ऑब्वियसली हर साल आने वाली एनिवर्सरी के लिए मैं एक्सक्लूसिव पार्टी तो नहीं छोड़ सकती ना, जहाँ शहर की सारी अमीर औरतें आ रही हैं मेरी तरह। शान भाई को नाराज कर सकती हैं आप? मेरा मतलब है पार्टियां तो जिंदगी में आती जाती रहेंगी, लेकिन आपको अपनी खुशियों का सोचना चाहिए ना। इस मौके पे आपको शाहान भाई के साथ होना चाहिए था। आप भूल गई कितने शौक से आप ये दिन मनाया करती थी, याद करें? हाँ तो मैंने कब मना किया है? पार्टी से फारिग होके एनिवर्सरी भी मना लेंगे ना, तो शाहान कहीं जा रहे हैं और ना एनिवर्सरी। हाँ अब मुझे ये बताओ कि ड्राइवर भेजो तुम्हें लेने के लिए? ना ना उल्फत बीबी, अब मैं कहाँ इतनी बड़ी पार्टियों में जाऊँगी, हमारी हैसियत कहाँ, आप ही जाएं। ठीक है, वैसे भी ज़्यादा मैं किसी को फोर्स नहीं करती। नहीं जाओगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। ओके सी यू बाय। अरे उल्फत ने ऐसा क्या कह दिया जो तेरे पैरों को फिरकी लग गई है? फूट भी जल्दी किस बात की है? तमाशा देखने की शकुरन, ऐसा तमाशा होने वाला ना पूरी दुनिया देखेगी। हाय अल्लाह, तेरा बच्चा बीमार पड़ा है और तुझे उसके घर का तमाशा देखने की पड़ी है? अरे मैंने रशीद से कह दिया वो रख लेगा उसका ख्याल, तू ना बस जल्दी से तैयारी पकड़ और उस छुटकी को भी तैयार कर देना, कहीं ऐसा ना हमारे जाने से पहले ड्रामा खत्म हो जाए। अच्छा ये बता मेरे जाने पर उल्फत कुछ कहेगी तो नहीं? बावली हो गई है क्या, किसी काबिल रहेगी तो तुझे कुछ कहेगी। अब मेरी बहन स्पीड पकड़, आज लाइव तमाशा देखना है हम लोग। चल मैं आई। हां रशीद, शीदे पनी कहां मर गया जाके? रशीद
शाहान, आप तैयार हो गए? बस मैं हो जाऊंगा तैयार, तुम बताओ हो गए? हाँ बस मैं चेंज करने जा रही हूँ, आप ऐसे नीचे चले जाएं, टाइम हो गया है, लोग आना शुरू हो जाएंगे। उल्फत कहाँ है? कहीं नहीं होगी। मतलब ये कि मैंने तुमसे कहा था कि सरप्राइज पार्टी मत रखना, अब देख लिया अंजाम, कोई खबर नहीं उसकी। अब तुम बताओ मैं किस मुंह से नीचे जाऊं, हाँ कैसे नजरें मिलाऊं मेहमानों से मैं? शाहान मुझे क्या पता था कि वो इतनी देर तक आएगी भी नहीं, मैं उसे फोन करती हूँ। अरे बंद है उसका फोन, मैं ना कर लेता फोन पे बात, कब से मिला रहा हूँ, बंद जा रहा है फोन उसका, पता नहीं बैठी होगी अपनी कहीं अमीरों की महफिल में कहीं जाके। मुझ पे चिल्ला रहे हैं, मैंने मैंने कुछ जान के तो नहीं किया, लेकिन हाँ आप ये बावर करने की कोशिश करें कि जैसे ये मेरी गलती है, और आपकी बात से भी मुझे यही लग रहा है कि मेरी गलती है। ये नहीं कह रहा मैं कि तुम्हारी गलती है, लेकिन बस मना किया था मैंने तुम्हें, नहीं चाहिए उसे ये सब कुछ, हमारे सरप्राइजेस, हमारी हमारी खुशी, हमारी मोहब्बत नहीं चाहिए उसे। आ जाएगी, अभी भी टाइम है, आ सकती है, उसको फोन करते हैं, शायद ऐसे ही फोन बंद हो गया। हाय अल्लाह, यहाँ तो रंगो नूर का सैलाब आया हुआ है। इतनी तैयारी, पहले नहीं बता सकती थी मैं कोई अच्छा जोड़ा पहन लेती। मुझे क्या पता था, वैसे सच कहूं उल्फत ने बड़ा पैसा खर्च किया है, कसम से हमारी तो शादी में भी इतना पैसा खर्च नहीं होता, उसने शादी की सालगिरह में इतना पैसा खर्च कर दिया। मैं सच कहूं दिखावा है दिखावा। वैसे उल्फत है कहां, नजर नहीं आ रही? अरे किसी और की महफिल की रौनक बढ़ाने गई है। तेरा कहने का क्या मतलब है, वो घर पर नहीं है क्या? तू सवाल बहुत करती है शकुरन, तू जवाब दे देगी तो मर जाएगी। अय अल्लाह शरबत, बात सुन, इतने अच्छे अच्छे लड़के आए हैं, अपनी गुर्बत मत दिखा, यहाँ पे किसी लड़के को देखते उससे शादी की बात का, शरबत पिएगी गरीब। फोन उठाया उसने? यार बन जा रहा, अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा कि कोई इंसान किस तरह अपनी इज्जत को इस तरह दांव पे लगा सकता है। यार शान प्लीज आप परेशान ना हो, आ जाएगी वो, आप नीचे जाएं, जाके मेहमानों से मिल लें। अरे मैं क्या करूं जाके यार, अकेला मैं ये तो मैंने शफा की तुमने कैसे, आपने कहा था कि आपकी मोहब्बत बेमायने हो गई है, अभी भी इनको देखकर ऐसे लग रहा है कि बेमायने। आपकी देवी हर चीज बहुत अजीज है, मेरे लिए बहुत अजीज है। इसी तरह हंसते रहा करें, अच्छे लगते हैं। बाबा बाबा, मामा कब आएंगी? सब नीचे इंतजार कर रहे हैं, केक कब कटेगा? बस आ रही है मामा, अभी आ रही है, केक भी कटेगा। सच में? हाँ हाँ, चलो चलो। बेच खुशियां खरीद लाए गम, छोड़ के तुमको याद आए तुम, क्या मैं तुम्हें
क्या हुआ? अरे ये तो तू बताएगा क्या हुआ, जिसके लिए इतनी बड़ी पार्टी थ्रो की है वो कहाँ पर है? मेहमान घर जाने को बोल रहे हैं। पता यार, मैं खुद परेशान हो रहा हूँ, उल्फत का फोन बन जा रहा है, मैं क्या करूँ? ओ तो एक काम करते हैं ना, केक कटवाए बगैर खाना खोल देते हैं, क्या कहते हैं? केक तो कटेगा और काटेगी भी मेरी बीवी। कैसे? अरे बता तो शाहान यार, क्या ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता शाहान, ये मेरा हक नहीं है। मैं दे रहा हूं ना तुम्हें हक। शाहान ये किसी और का दिन है, किसी और की खुशी है, मैं ये नहीं छीन सकती। अम्मी आप समझाए ना इन्हें। शफक, खुशियों पर उनका हक होता है जो उन्हें हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जो उन्हें इस तरह ठुकरा दे वो सिर्फ महरूम रह जाते हैं। लेकिन शाहान, शफक प्लीज यार अब जिद मत करो। मैं क्या सारी रात इन लोगों को बिठा कर रखूं? और वैसे भी केक काटने के लिए बीवी का होना जरूरी है। कौन सी बीवी ये जरूरी नहीं है। हाँ शफक, शाहान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बेचारे मेहमानों को हम कब तक बिठा के रखेंगे। हाँ अम्मी मान जाए ना, सिर्फ केक ही तो काटना है। भाई नूरी, क्या पूरी रात हम यूं ही खड़े रहेंगे? खैर से उल्फत कब आएगी? तू अपना मुंह बंद रख और तमाशे का इंतजार कर। तेरे तमाशे के चक्कर में ना मेरी तलाक हो जाएगी। मुन्ने के अब्बा ने 10-12 फोन कर लिए। एक तो ये तेरे मुन्ने के अब्बा को भी ना चैन नहीं, तुम दोनों चुप रहो बिल्कुल। ए, बस दुआ करो केक कटने से पहले उल्फत आ जाए, फिर होगा धमाका। हेलो, क्या ये कैसे हुआ? बस ठीक है, मैं पहुंच रहा हूं। ओके, मुझे एक इमरजेंसी हो गई है, उनसे एक्सक्यूज कर लीजिएगा। ओके ठीक है, आप जाइए, खुदा हाफिज। अरे तुम्हारे पापा मामा कहाँ हैं? देखे, मैं देख के आती हूँ, उनको बुला के लेके आती हूँ, इधर ही रहना, जाना नहीं। अच्छा देखना इस पार्टी में कैसी जान पड़ती है। जिस छुरी से शफक ने केक काटा है ना, इसी छुरी से उल्फत उसका गला काटेगी, फिर आएगा मजा। क्या हो रहा है ये? हाँ किस बात की सेलिब्रेशन है? क्या बात है भाई, क्या मैं इनवाइटेड नहीं हूँ? बोलो। ये लो भाई, मतलब कि हद ही हो गई है फरजाना, तुमने बहू को ये भी नहीं बताया कि महफिल किसके लिए सजी थी। खैर ये तो कमाल ही हो गया, जिसके लिए महफिल सजी थी उसको पता ही नहीं। अरे उल्फत, इतनी हैरानी किस बात की? तुम्हारी शादी की सालगिरह थी और तुम्ही ने इतना लेट कर दिया। ये केक 4 घंटे से वेट कर रहा था तुम्हारा, तुम नहीं आई तो दूसरी बीवी ने काट लिया। हाँ मतलब मेरी शादी की सालगिरह है ना, मेरी शादी की, तो ये क्या करिए यहाँ? ये क्यों खड़ी है मेरी जगह पर? बोलिए ना। अरे ऐसी भी क्या आफत आ गई थी कि मेरा इंतजार तक नहीं कर सके आप लोग? हाँ आराम से उल्फत, ये क्या तरीका है बात करने का बेटा? और ये कौन सा तरीका है जो मेरी मोहब्बत पैरों तले रोन दी? हालांकि आप तो मेरी माँ है ना। हाँ आप नहीं मना कर सकती थी? अरे आप नहीं कह सकती थी कि आने वाली उल्फत इंतजार कर लो अभी आती होगी? आप नहीं कह सकती थी ये? इतनी किस बात की जल्दी थी बताएं? रिलैक्स, क्या हो गया? छोटी सी बात थी यार, तुम लेट हो रही थी, केक काट दिया हमने, सो व्हाट? ऐसे थोड़ी कि तुम्हारी खुशियां छुरी तले आ गई हो। छोटी सी बात, अरे इसकी छुरी तले मेरी 11 साल की मोहब्बत ने दम तोड़ा है, हमारे साथ ने दम तोड़ा है, उस मोहब्बत ने दम तोड़ा है जिसका दावा तुम 20 साल से करते आ रहे हो, तुम इसे छोटी सी बात कह रहे हो? उल्फत क्या कर रही हो तुम, क्यों सबके सामने तमाशा बना रही हो? तमाशा? हो, तमाशा
अरे तमाशा तो मेरा बन गया है सबके सामने। तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से, लेकिन मुझे जवाब चाहिए। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी जगह पे खड़े होने की? जवाब दो मुझे कि मेरा दिन था ना, मेरा हक था ना इसे मनाने का, ये कैसे खड़ी हुई है? हाँ उल्फत, चलो यार अंदर से बात करते हैं यार। हाँ छोड़ो मेरा, जब बात यहाँ शुरू हुई थी तो खत्म भी यही होगी। जब इन सब के सामने तुमने मेरा हक इसकी झोली में डाल दिया तो बात अब यही खत्म होगी। उल्फत, क्या हक हक लगा के रखी तुमने और मेरा दिन कर रही हो? ये तो हमारा दिन था और मैं तो यहाँ, तुम कहाँ हो उल्फत? उस दिन कहाँ थी अहमियत जब यही दिन तुमने मेरे मुंह पे मारा था? और ये इसको तुम इल्जाम डाल रही हो, ये इसने तुम्हारे लिए अरेंज किया है तुम्हारी खुशी के लिए, और मैं उसे रोक रहा था कि मत करो, उल्फत तुम्हारा खुलूस नहीं समझ पाएगी। लेकिन बेचारी शफा को भी शौक है ना मोहब्बत में रिसवाने का। देखो हम तुम्हारा इंतजार करते रहे, मैंने तुम्हारा वेट किया यार, लेकिन हमने सोचा तुम 9 बजे आ जाओगी, 10 बजे आ जाओगी, टाइम देख रही हूँ 12 बजने को आए यार, हम क्या करते, मेहमानों को बिठा के रखते क्या? अरे 12 बजने वाले बजे तो नहीं थे ना, लेट हुई थी, मर तो नहीं गई थी ना? फर्श कर लो, चलो फर्श कर लेते, अगर मैं लेट हो भी गई थी तो इसको किसने हक दिया मेरी जगह पे खड़ा होने का? इसको किसने ये राइट दिया और इस सरप्राइज पार्टी का ड्रामा रचाने को? हाँ उल्फत, ये सब तुम्हारे लिए किया है हमने, तुम्हें सरप्राइज देने के लिए, क्यों गलत समझ रही हो? तुम बीच में मत बोलो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये नाटक तुम्हारा रचाया हुआ है। उल्फत तुम इस लहजे में शफक से बात नहीं कर सकती। यानी तुम सबके सामने मुझसे इस लहजे में बात कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी दूसरी बीवी के साथ इस लहजे में बात नहीं कर सकती। हाँ अरे ये मोहब्बत तो मैंने कभी देखी ही नहीं थी। हाँ ये मोहब्बत, ये तड़प, ये तो पहली दफा देख रही हूँ। सिर्फ 4 महीने, अरे सिर्फ 4 महीने, 4 महीने मेरी 20 साल की मोहब्बत पे भारी पड़ गए। हाँ कल की लड़की से इतनी मोहब्बत कब हो गई? वाह शफक वाह, वेरी स्मार्ट भाई, तालियां बजाओ, ये भी तो सेलिब्रेशन है, तालियां, चलो तालियां बजाओ, क्या हो गया भाई? हाँ प्लीज तो मेरी बात समझने की कोशिश करो, मुझे केक नहीं काटना था, मैं तो शाहान को मना भी किया था कि मैं केक नहीं काटूंगी, लेकिन ये तो मेरे झुमके है ना, ये तो तुम मेरे लिए तोहफे में लेकर आए थे। हाँ तुमने कैसे पहन लिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मोहब्बत को अपने कानों में सजाने की? हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक सेकंड उल्फत, किन झुमकों की बात कर रही हो तुम? याद है ये कौन से झुमके हैं? ये वो झुमके हैं जो तुमने धुतकार दिए थे। याद है क्या कहा था कि इनकी औकात नहीं है कि तुम्हारे कानों में सजे। आई एम सॉरी उल्फत, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी औकात नहीं है इनको पहनने की। अब खत्म करो इस बात को एंड प्लीज बिहेव योरसेल्फ। हटो यहाँ से, मुझे तमीज सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, झुमके तुम ऐसे नहीं पहनने दूंगी। चलो तब, इसकी हिम्मत कैसे हुई? उतारो इसे, उतारो, मैं कहती हूँ उतारो वरना मैं इसके कान काट दूंगी। उल्फत ये क्या कर रही हो? अम्मा तुमने सबके सामने मेरे ऊपर हाथ उठाया। हाँ सबके सामने मेरे ऊपर हाथ उठाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे अब हाथ उठा ही लिया तो मारो ना, मारो ना, अब तो सबने देख ही लिया है, मारो मारो, रुक क्यों गए, मारो ना। जानना चाहती हो क्यों नहीं मार रहा मैं तुम्हें? क्योंकि मारा उसे जाता है उल्फत, जिसकी कोई हैसियत हो, जिसकी कोई औकात हो,
तुमने ये सब कुछ किया है ना, मेरी नजरों में तुम इस कदर गिर गई हो कि तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं रही कि मैं तुम्हें मारूं। यू डोंट इवन डिजर्व टू बी स्लैप्ड। सॉरी एवरीवन, प्लीज हम सबको माफ कीजिएगा। आई एम सॉरी प्लीज, आप लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मा चले अंदर, शफक चले अंदर, चले। बेच खुशियां खरीद लाए गम, छोड़ के तुमको याद आए तुम। Yeah.